नमस्कार दोस्तों, द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियो के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्यासी भूमि। जी हाँ, किताबों में तो शायद आपने खूब पढ़ा हो प्यासी भूमि, परंतु इस नाम से शायद आपको याद ना आए। दूसरा नाम मैं ले ही लेता हूँ, कंगारुओं का देश। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, बेहद खूबसूरत देश ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप और देश दोनों ही हैं। वहीं वहाँ की आबादी की बात करें दोस्तों, वहाँ की आबादी 2,40,00,000 आबादी वाला यह देश 76,92,2400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ का क्षेत्रफल आपने सुना, अब भारत का भी सुन लीजिए। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। आबादी आपने वहाँ की सुनी, भारत की आबादी आपको पता है कितनी है, शायद आप जानते होंगे, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। परंतु वहाँ की जितनी आबादी है, इतने यहाँ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, पिछले साल रेलवे की वैकेंसी के दौरान 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और जगह कितनी थी, बस 90,000। तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों। खैर छोड़िए, भारत के बारे में आपको पता है, आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम आपको बताते हैं। 1908 में सिडनी और मेलबोर्न में तकरार की वजह से कैनबरा वहाँ की राजधानी बनी। सिडनी वहाँ का बड़ा शहर है और खूबसूरत शहर है। वहीं टूराग सबसे बड़ा मतदाता क्षेत्र है। जी हाँ, क्षेत्रफल में कितना बड़ा है टूराग, मंगोलिया देश से भी बड़ा टूराग। वोट की बात करें हम वहाँ पर, वहाँ वोट देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आप वोट नहीं दोगे तो जुर्माना लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि वोट देने का दिन आए और आप घर में चाय पी रहे हो भारत देश की तरह। जी हाँ, इसलिए वोट देना ज़रूरी है दोस्तों। आगे चलते हैं, करेंसी की बात करें। वहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो भारतीय रुपये में 52.32 पैसे के बराबर है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के हर आदमी के पास खूब पैसा है। जी, वहीं बताया जाता है कि वहाँ की महिलाएं भी काफ़ी अमीर हैं दोस्तों। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में जैसा होता है कि छिपा छिपा कर पैसे रखें, ऐसा नहीं है। वहाँ की महिलाओं के पास भी खूब पैसा है। वहीं बात करें महिलाओं के वोट देने के अधिकार की, 1893 में न्यूजीलैंड के महिलाओं के वोट देने का अधिकार दिया। वहीं 1902 में ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश बना महिलाओं को वोट देने का अधिकार देकर। जी हाँ, आगे चलते हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात यहाँ आपको जानने के मिलेगी, आज बहुत अजीब अजीब आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ इंसानों से ज़्यादा कंगारू रहते हैं। जी हाँ, भेड़ों की तादाद इतनी है कि एक साल में पैदा हुए उनके ऊन से पूरी धरती लिपट जाए। बहुत बुरा हाल है दोस्तों, इसलिए देख कर जाना, वहाँ इंसानों से ज़्यादा जीन जानवर रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों की तादाद इतनी है कि सऊदी अरब भी यहाँ से भेजे जाते हैं। वहीं जहरीले सांपों की बात करूँ तो पूरी दुनिया का 15% ऑस्ट्रेलिया में जहरीले सांप पाए जाते हैं। और एक आपने सुना नहीं, लोमड़ियों की बात। लोमड़िया वहाँ पर दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे, हर 1 किलोमीटर के दायरे में 10 लोमड़ियाँ आपको मिल जाएगी। और एक ऐसा पक्षी, आगे का तथ्य आप, आगे का फन फैक्ट आप सुनोगे तो शायद हैरान हो जाओ, आपने भारत में ऐसा पक्षी देखा भी नहीं होगा। वहाँ पर नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड पाया जाता है, जो पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने, गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ नकल कर लेता है। मतलब बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बीचेस की बात करें। जी हाँ, वहाँ तकरीबन 10,000 के तकरीबन बीचेस हैं। मतलब एक आदमी अगर इन सारी बीचेस को घूमने लगे तो उसे शायद 27 साल लगेंगे, और बीचेस का मज़ा लेने में शायद उसे मज़ा आए, या फिर वो सजा लगे, या फिर वो इतने में कहीं और पहुंच जाए, ये उसको ही पता रहेगा। बीचेस का मज़ा लेने के लिए 1902 से पहले दिन में यहाँ नहाना गैर कानूनी था। जी हाँ, आपको अगर बीचेस का मज़ा लेना था 1902 से पहले तो रात को यहाँ आना पड़ता था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी झील भी पाई जाती है। जी हाँ, वहाँ का गुलाबी पानी क्यों है अभी तक किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं परंतु अभी कुछ पता नहीं पड़ा। हमारे भारत देश की बात करें तो यहाँ का पानी नीला है। जी हाँ, उसके ऊपर गाने भी बने हुए हैं, परंतु गाना इसके ऊपर भी बनना चाहिए, गुलाबी पानी के ऊपर, गुलाबी आँखों के ऊपर तो ज़रूर गाना बना है, अभी गुलाबी पानी के ऊपर
जरूर बनना चाहिए। आगे चलते हैं, 18वीं 19वीं सदी में अंग्रेजों ने कब्जा किया ऑस्ट्रेलिया पर और इंग्लैंड से राज किया, परंतु बाद में अलग होकर अंग्रेजी वंशज ने इसे विकसित बनाया। जी हाँ, फिर इसने खूब तरक्की की और वहाँ पर वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुधारा। वहाँ की अर्थव्यवस्था की भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। अभी बात कर लेते हैं कि कहीं भी भारतीय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी 3 से 4 लाख भारतीय आपको मिल जाएंगे। मतलब हर जगह अपना पर्चा गाड़ ही देते हैं, हर जगह ये लोग मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था की। जी हाँ, 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की 2018 में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 4थे स्थान पर था ऑस्ट्रेलिया। वहीं रहन सहन में 2रे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। वहीं जितना अब रहन सहन जिसका अच्छा रहेगा वह इतना ही हष्ट पुष्ट रहेगा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च के मुताबिक 65% लोग वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा मोटे रहते हैं। तो यह था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का हाल। अभी आगे और भी चलते हैं। तकरीबन 8000 महाद्वीपों से बना ऑस्ट्रेलिया। इस देश में 91% से ज़्यादा हिस्से पर जंगलों का राज है। जी हाँ, 91% हिस्से पर जंगल पाए जाते हैं। वहीं 2.5 किलोमीटर के दायरे में एक आदमी रहता है। मतलब आप सोचो, भारत में इतने में एक गांव बस जाएगा, वहाँ 2.5 किलोमीटर के दायरे में एक आदमी रह रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पशुओं के चरने के लिए इतनी जगह है वहाँ कि केरल जैसे राज्य वहाँ समा जाए। जी हाँ, इतना सब आपने सुना। अब कुछ और दिलचस्प सुन लीजिए। वहाँ की लड़कियाँ भारतीय लड़कों को खूब पसंद करती हैं। इसी बात से ऑस्ट्रेलियन लड़के भारतीय लड़कों से नफरत करते हैं। जी हाँ, अब पसंद क्यों करती हैं? बताया जाता है दोस्तों, भारतीय लड़के इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि यह जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं। मतलब सब जगह उल्टा है, भारत की लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं और वहाँ की लड़कियां भारत के लड़कों को पसंद करती हैं। खैर, अपनी अपनी पसंद है दोस्तों, सबका अलग ही हिसाब है। और कुछ आप सुन लीजिए, शायद आप हैरान भी हो जाए यह सुनकर। दिलचस्प यह बहुत है, क्यूसलैंड प्रांत में पत्नियों की पार्टी के दौरान, जी हाँ, पति और पत्नी वहाँ पार्टी करते हैं, एक कपल पार्टी का आयोजन किया जाता है। उस पार्टी में क्या होता है, जितना आपका पार्टी का टाइम रहेगा उसमें पति किसी और पत्नी के साथ, पत्नी किसी और पति के साथ समय गुजार सकते हैं। जी हाँ, ये तो बड़ा ही अलग फन फैक्ट आपको सुनने को मिला, या आप एक बार तो सुनकर हैरान भी हो गए होंगे। अब कुछ ऐसा भी हो गया, मज़े भी ले लिए, घूम भी लिए, अब कुछ पीने खाने की बात करते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बियर पीते हैं। जी हाँ, यहाँ के पूर्व PM बॉब हक ने 11 सेकंड में 2.5 लीटर बियर पीकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुझे तो लगता है दोस्तों उन्होंने इतना रिकॉर्ड बनाया या नहीं बनाया, परंतु वह लोग भारत के लोगों से नहीं मिले। जी हाँ, वहीं और कुछ बताते हैं हम आपको। वहाँ महीने का हिसाब नहीं रहता दोस्तों, जैसे यहाँ पर 30 दिन 31 दिन का चक्कर, वहाँ ऐसा नहीं रहता, वहाँ है हफ्ते के हिसाब से काम होता है। जी हाँ, वहाँ पर हफ्ते के हिसाब से सैलरी मिलती है, हफ्ते के हिसाब से रेंट देना पड़ता है, महीने का कोई इश्यू ही नहीं रहता। एक अब आखिरी आप सुन लीजिए फैक्ट क्या है वहाँ का। वहाँ जिसके पास लाइसेंस रहेगा वही मैकेनिक बिजली बल्ब बदल सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भारत में बिजली चली गई और कोई भी आया कुछ भी करके खंभे पे चढ़ गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ गैर कानूनी है, ये आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों यह था ऑस्ट्रेलिया, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।